मोदी जी गलत नहीं है, और लोग, ये अमित शाह है और लोग हैं जो अंबानी हैं, ये लोग गलत है। इन्होंने कठपुतली बना रखा है मोदी को, वहाँ के नहीं है, वहाँ के नहीं है, भग जाएंगे, ये है वो, मतलब दुनिया भर की बातें बनाई जा रही। हमारी तरफ से कुछ भी हो कैसा भी, हम बीजेपी को देंगे। उन्होंने कि सिर्फ मंदिर बनाया है, राशन भी दे रहे हैं, ये भी मोदी जी को शुक्रिया। मगर जो और गरीब भाई हैं जो खुल के नहीं कह सकते, वो मजदूर परेशान है। अपना अपने नेता बनेंगे बाद में, हमें नहीं पता किसी का कौन, अब कौन बनना, कौन जीत रहा, कौन हार रहा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। वोट डालोगे विशाल जाके? अरे वोट हमारा कोई डालना काम नहीं है। अरे इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं पता क्या है? अच्छा अल्पेश यादव को जानते हो? अल्पेश यादव को जानते हो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं जानते। नमस्कार, रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूँ सौरभ शुक्ला। टीवी भी कम देख रहे हैं आपका मुझे पता है, लेकिन रेड माइक तो देख रहे हैं। और बहुत लोग लिख रहे थे कि मेरठ में क्या हो रहा है, वहाँ से अरुण गोविल जो रामचंद्र का किरदार निभा चुके हैं रामायण में, उनका चुनाव कैसा है, उनके सामने किसको टिकट है। हमने बताया, अरुण गोविल से भी हमने बात करी, कह रहे हैं मेरठ में घर तब लूँगा जब यहाँ से चुनाव जीत जाऊँ। अभी तक घर नहीं लिया है उन्होंने, और फिर वो कह रहे हैं कि मैं यहीं रहूँगा, लेकिन जीतने के बाद नहीं जीते तो मुंबई वापस क्या है। अब देखना होगा कि यहाँ की जनता उन्हें स्वीकार करती है या फिर मोदी के नाम पे वोट देती है। यहाँ से जो उनके खिलाफ कैंडिडेट हैं बड़े दिलचस्प हैं, उनका नाम है सुनीता वर्मा, यहाँ की मेयर रह चुकी हैं। दिल्ली में लोग कम जानते हैं, लेकिन दलित समुदाय से हैं, और दलित समुदाय के मेरठ में 3.5 लाख वोट हैं, मुसलमान 6-6.5 लाख हैं। तो अखिलेश यादव ने जनरल सीट पर एक दलित उम्मीदवार उतारा है जो मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन साधने के लिए, लेकिन हाँ उनका विरोध भी हो सकता है कि पहले अतुल प्रधान का टिकट काटा, फिर भानु प्रताप का टिकट काटा। तो मेरठ की सीट दिलचस्प है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आंधी चल रही है। देखिए, तीसरा टर्म है प्रधानमंत्री मोदी का, सर्वेज भी कह रहे हैं कि नहीं उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है, लेकिन लोगों का कहना है प्राइम मिनिस्टर की चॉइस वही है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो कम रहा है फर्स्ट फेज में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में 9% वोटिंग कम हुई है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के वोटर नहीं निकला, क्या 400 पार का नारा बीजेपी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है कि 400 पार हो रहा है, मोदी जी तो हो ही रहे हैं, मेरे वोट से क्या हो जाए, चलो घर बैठो, ये भी हो रहा है। और वोटिंग परसेंटेज कम रहा तो नुकसान किसका? तो हम मेरठ में पहुंच गए, मेरठ में लोगों के दिल में क्या है, जो वोट डाल के सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि अरुण गोविल को वो जो आरती फूल माला चढ़ रहे हैं वो उन्हें भगवान मान रहे हैं या फिर वो किरदार हैं, उनको पता है कि वो रियल कैरेक्टर है, रियल कैरेक्टर नहीं है। तो यहाँ लोग बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं। भाई क्या नाम है? परमजीत जी, क्या करते हो आप? मैं तो जी मेरी पार्किंग है अपनी। पार्किंग है अपनी, तो क्या चुनाव उनाव में वोट वोट तो हो गई? हाँ जी। क्या चल रहा है माहौल यहाँ? रामचंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं राम जी आए, राम जी आए, पर वो तो किरदार है ना उनका, किरदार निभाया उन्होंने। हाँ जी। क्या माहौल आपके यहाँ जी? माहौल को तो मैं कुछ बता नहीं, लेकिन अपनी तो वोट बीजेपी को जानी है। अच्छा, क्यों? राम कोई खास रीज़न नहीं है, बस बीजेपी वाले अब तो शुरू से। अच्छा, शुरू से बीजेपी वाले हैं। तो ये बताइए, अरुण गोविल के बारे में क्या कहना है जो रामचंद्र जी की भूमिका निभा रहे थे, अभी यहाँ चुनाव बीजेपी ने टिकट दिया है? भाई जैसे उनके बारे में सुना जा रहा कि ये, मतलब जैसे उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे कि यहाँ के नहीं है, वहाँ के नहीं है, भग जाएंगे, ये है वो, मतलब दुनिया भर की बातें बनाई जा रही। हमारी तरफ से कुछ भी हो कैसा भी, हम बीजेपी को देंगे। मतलब नहीं कैरेक्टर से, मतलब राम अरुण गोविल होते ना होते बीजेपी को वोट दे देते? हाँ जी, बीजेपी है। बीजेपी में क्यों, क्या अच्छा लगता है? भाई शुरू से ये हिंदू के समर्थक में है ये सरकार, और क्या है, हिंदू समर्थक में है। बाकी हमें राजनीति के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ओल्ड फैमिली का या रिश्तेदार सारे आस पड़ोस से, हमारा ये पूरा घड़ी बीजेपी का। अच्छा, हाँ जी, तुम तो बीजेपी वाले जी। युवा वोट वोट है? नहीं सर, कोई वोट नहीं है। वोट नहीं आपका? क्या देख रहे हो सर? मैच। मैच देख रहे हो? इलेक्ट्रोल बॉन्ड पता है क्या है? नहीं सर, नहीं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं पता? अरे इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं पता क्या है? अच्छा, अल्पेश यादव को जानते हो? अल्पेश यादव को जानते हो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं जानते? अच्छा, मेरठ में कौन चुनाव लड़ रहा है पता है? सर नहीं पता, मेरठ में सर, मेरठ से नहीं, नोएडा से हैं। अच्छा, तो यहाँ आए हैं घूमने फिरने। अरे कज़न भैया, क्या क्या हाल है यहाँ? बढ़िया भैया। क्या चुनाव में क्या चल रहा है? चुनाव की अपडेट इतनी पता नहीं है मुझे, नॉर्मली पता नहीं। मेरठ में तो लोग बड़ा चर्चा वर्चा करते हैं। नहीं करते हैं बात, इधर उधर कर रहे हैं आप लोग। बाबा कहाँ से आयो? कहाँ से हो? मैं तो साकेत है जी। यही साकेत से, मेरठ से हैं। चुनाव का माहौल नहीं लग रहा है क्या? बड़ा ठंडा चुनाव लग रहा है। ठंडा तो लगे रहा जी ऐसे। क्या वजह है? क्या वजह है? अरुण गोविल की बात जानते हैं, राम जी का, रामचंद्र जी यहाँ चुनाव लड़ने आए लोग कह रहे हैं। हाँ जी, क्या माहौल है? माहौल पता नहीं क्या है जी। आपके दिल में क्या है अब? हमारे दिल में क्या है जी, अब
चुनाव हो तो सही है। तो चुनाव है तो वोट तो डालोगे जाके? वोट डालेंगे हम, डालेंगे जी वोट। किसको डालोगे? हाँ जी। किसकी सरकार? अब की बार क्या लग रहा है मेरठ में, कुछ बदलेगा कि वही रहेगा, क्या चलेगा, कुछ तो सोचे हो? अरे आप कुछ सोचेंगे वहाँ डालेंगे, सोचेंगे जी। घर परिवार में क्या चर्चा हो रही है? अब घर परिवार में तो अब आधे तो यहाँ है, आधा परिवार गांव में है जी। गांव भी मेरठ में ही है? नहीं है, साकेत में ही। साकेत में ही गाँव है। राजेंद्र शर्मा है ना? तो मतलब हाँ हाँ यही है, मेरठ के रहने वाले हो। तो अभी सोचा नहीं किसको वोट दोगे? कब सोचोगे? सोच लेंगे अभी, दो तीन दिन बचे हैं वोटिंग के। हाँ वो भी सोच लेंगे, सोच लेंगे। चलिए अच्छी बात है, सोच लेंगे तो आप सोच लीजिएगा। तो मेरठ में तो देखिए युवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा कीन नज़र नहीं आते हैं चुनाव के, और आगे लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि उनके दिल में क्या है। सनोज भाई बात नहीं कर रहे, ऑन करो। क्या नाम है आपका? शादाब। शादाब क्या करते हो? मैं एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ। एम्ब्रॉयडरी का क्या माहौल है चुनाव में? युवा हो, क्या चाहते हो बेहतर हो आप लोगों के लिए चुनाव में? क्या है जहन में, क्या मुद्दे हैं? थोड़ी चेंजिंग ही चाहते हैं। चाहते हैं कि बदले जी, क्योंकि मौजूदा सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, तो चाहते हैं थोड़ा तब्दीली आए। थोड़ा तब्दीली आए, चाहते हैं तब्दीली आए। और यहाँ के कैंडिडेट अरुण गोविल को दिया है, भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं, लोग तो बड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं उनकी। कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आप चाहते हैं कि तब्दीली हो इस बार थोड़ा सा? ठीक है। आपका नाम क्या है? अरे छुप छुप के क्यों खड़े हो, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी क्या करते हो? जॉब करता हूँ मैं, स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में माहौल क्या है मेरठ में? तो सन्नाटा क्यों है भाई है? मेरठ में तो सन्नाटा क्यों है? मेरठ तो क्रांतिकारियों का शहर है, तो लोग शांति बनाए क्यों हुए हैं? चुनाव में लग नहीं रहा चुनाव है। हम दिल्ली से आए, हमें दिल्ली में तो हर बार मेरठ में इतना हल्ला होता है, इस बार शांति है। बस क्या करें, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो। अब जो हो रहा है वो सबको पता है, दिख रहा है। क्या क्या माहौल चल रहा है उसका? वोटिंग का? किसकी सपोर्टिंग का? मैं बीजेपी। बीजेपी आपको लग रहा है बीजेपी का? सब मजबूरी बन जाती है देने को। मजबूरी क्यों, अब क्या कर सकते हैं? अरुण गोविल आए हैं, रामचंद्र जी, इस वजह से दे दोगे या फिर मोदी को दे दोगे? नहीं नहीं वो राम के उसमें इस तरीके से देना ही पड़ेगा। अच्छा राम आए इसलिए देना पड़ेगा? क्या करते हैं, बीजेपी को ही देंगे, और किसी को चारा ही नहीं है, देख सकते हैं चारा ही नहीं है, बीजेपी को ही दोगे। आपको नौकरी मिली, रोजगार मिली, सरकारी नौकरी कुछ? हाँ हाँ दिक्कतें तो हैं, देखो वो भी समझते हैं हम, दिक्कत समस्या तो देखो सभी के साथ है। बीजेपी को वोट क्यों? कह नहीं सकते उसके बाद। हिंदू मुसलमान? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बीजेपी मंदिर की वजह से देंगे। एक काम अच्छा करा उन्होंने कि सिर्फ मंदिर बनाया है, राशन भी दे रहे हैं, ये भी मोदी जी को शुक्रिया। मगर जो और गरीब भाई हैं जो खुल के नहीं कह सकते, वो मजदूर परेशान हैं, औरतें परेशान हैं। बाकी देखो कांग्रेस वाले भी पुराने खानदानी लोग हैं, उन्हें भी जीतना चाहिए, उनको भी वोट देनी चाहिए, उनका भी हक बनता है। देखो उनकी इंदिरा गांधी मरी, किसने मारा? ये सारे लोग दादा हैं, परदादा हैं, इनके सारे खानदानी लोग हैं। मोदी जी अपनी जगह सही हैं, हम उन्हें बुरा नहीं कह रहे, अच्छे हैं, इंसान हैं, मगर उनके पीछे जो और हाथ हैं वो लोग सही नहीं हैं। मोदी जी गलत नहीं हैं, और लोग, ये अमित शाह है, और लोग हैं जो अंबानी हैं, ये लोग गलत हैं। इन्होंने कठपुतली बना रखा है मोदी को। और कांग्रेस जो है वो कभी किसी की कर्जदार नहीं है, ना ही देश कर्जदार था, ना ही कोई चीज। तो आ रहा है कांग्रेस को, हम तो कांग्रेस को देंगे जी। मोदी जी को आधे वोट हम मोदी जी को देते हैं, लेडीज कांग्रेस को देती है, जेंट्स मोदी जी को देता है। मंदिर लाए या नहीं लाए, क्योंकि वो भी हमारे भाई, जब अब वो हैं देश के तो उनका भी तो हक बनता है थोड़ा सा। तो हम घर में कर लेते हैं ये कि दोनों भाई प्यार तो करते हैं हम कांग्रेस को, मगर मोदी जी को भी मानते हैं। मंदिर बनाया है ठीक है, मस्जिद खत्म करी वो भी अच्छी बात है, चलो जिसकी ताकत होती है वही जीतता है, कोई बुरा मानने की बात नहीं है। मुसलमान कमज़ोर है, हार गया, बोला ही नहीं। मस्जिद टूट गई कोई बात नहीं, मंदिर बन गया वो भी तो मस्जिद की जगह है, पूजा हो रही है, अच्छी बात। मेरा बस चले, मेरे पैरों में ताकत हो तो मैं भी जाऊँ मंदिर देखने के लिए, मुझे अच्छा लगता है, कोई बुरी बात थोड़ी है, अच्छी बात है। बाकी भैया कुछ गलती हो गई हो तो सॉरी। बढ़िया, आपका नाम क्या? बढ़िया बोली आप। मैं चमन खान हूँ। बढ़िया बोली आप। भैया ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, एक अक्सर पड़ी हुई नहीं हूँ, घर में रहती हूँ, बस खबरों का शौक है।
और एक बात देखिए, आप केजरीवाल को बंद करा दिया, एक शराब घोटाले में बंद करा दिया उसे, और कितने घोटाले हमारे देश में हो रहे हैं उसका कोई पता नहीं है, मोदी जी को उसका कोई पता नहीं है। उसको भी तो मोदी जी को ये देखना चाहिए कि अमित शाह कितने लोगों ने घोटाले करे, कितने लोग हमारे देश का पैसा ले लेके बैंकों से भागे, कितने लोगों को लाइन में लगाया, कितनी औरतें मरे, कितना आदमी मरे, कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे, उनकी कोई चिंता नहीं है, बस एक शराब घोटाले को लेकर उसे बंद करा दिया बेचारे को। अच्छी बात है, आप देखते हैं न्यूज़, बात है। देखिए आपका कमजोर कमजोर तो गलत ही होता है। अब मेरा पैर कमजोर है ना, तो मैं पार्क नहीं घूम सकी, जीने पे बैठी हूँ। पैरों में ताकत होती तो सारा घूमती, मुझे और अच्छा लगता। ऐसे ही मोदी जी की बात है, उनमें ताकत है तो वो अच्छे हैं, और जो अच्छे लोग हैं उनमें ताकत नहीं है तो वो बुरे हैं। तो हमें भी कहना पड़ेगा कहाँ मोदी जी अच्छे हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल। क्या नाम है छोटे भाई आपका? विशाल। विशाल क्या करते हो? मैं एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी का काम करते हो? क्या है, चुनाव में युवा हो, कुछ सोच रहे हो, क्या है बेहतर हो, जो रोजगार रोजगार मिल रहा है मेरठ में, माहौल क्या है, हवा क्या चल रही है, बताओ यार। हवा भी बेकार है और माहौल भी बेकार है। हवा भी बेकार है और माहौल भी बेकार है। क्यों विशाल? क्यों, ये तो तुम खैर चलते फिरते होंगे, पता लग ही जाता होगा तुम्हें भी। खैर हम तो दिल्ली से आए थोड़ा देखने, माहौल तभी तो आए। तो इतना खास नहीं है, बस वही अपना लड़ाई झगड़ा आपस में, उलझन पुलझन दुनिया भर की, लोग बाग समझ ही नहीं पाते अपना, मतलब अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाते। रामचंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के रामचंद्र जी आए, दर्शन कर लो, दर्शन मतलब अपने मजहब की कोई नारे लगावे अलग, कोई अपने मजहब के अलग नारे लगावे, ये नहीं कि मतलब अपना आपस में मिलजुल के रहना है ही नहीं। तो यहाँ तो साक्षात राम को टिकट देती है बीजेपी, कह रही है देखो राम जी आए दर्शन कर लो। अरे हमें तो इतना पता जी, हम अपना अपने नेता बनेंगे बाद में, हमें नहीं पता किसी का, कौन अब कौन बनना, कौन जीत रहा, कौन हार रहा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। वोट डालोगे विशाल जाके? अरे वोट हमारा कोई डालना काम नहीं है। क्यों, अभी आती नहीं है तो डालते ही नहीं है। वोट तो होगा आपका है? वोट हाँ शायद आती हो, घर वालों को पता हो, अभी आधार कार्ड 2 साल पहले बनवाया। ठीक है, तो वोट हो गया आपके, नेता खुद ही बनेंगे, चीता ही कह के जाएंगे। अच्छा वाह, क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम राजेश गुप्ता। अंकल ये बताइए, यहाँ पे अरुण गोविल को टिकट मिला है, हम लोग दिल्ली से आए, माहौल देख रहे हैं, थोड़ा बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं हाथ मिलते जुलते नहीं है, फूल माला ले लेते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, तो मेरठ की जनता क्या सोच रही है, क्या कर रही है? कुछ कह रहे हैं कि बाहर चले जाएंगे, कुछ आरती कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। नहीं, कुछ साइलेंट वोटर होते हैं, साइलेंट वोटर होते हैं, ये वो वोटर बोलते हैं जो ट्विटर से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। जो साइलेंट वोटर होते हैं वो साइलेंट वोटर अभी भी गोविल को ही चाह रहे हैं। अच्छा। कैसे चाह रहे हैं वो, और वो उसी दिन पता चलेगा। और उनका एक ही टारगेट है, दे आर नॉट लुकिंग अराउंड गोविल, दे आर लुकिंग अराउंड मोदी। दे विल वोट फॉर बीजेपी, नॉट फॉर गोविल, दे आर, दे विल वोट फॉर बीजेपी फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी, दे हैव नथिंग टू डू विद, उसी को देख के होगी। मोदी थोड़े ना आएंगे आपके, एमपी बनेंगे, गोविल जी रहेंगे आपके, सुख दुख सुनाना काम आपके, कोई भी अब मिडिल क्लास अपनी मेहनत खुद ही करती है खाती है। कोई भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस होती है वो सेंटर से आती है ना, कोई भी पैसा आएगा वो सेंटर से आएगा, तभी तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा नीचे आके। और यहाँ पे जो खुद के बंदे हैं उनके आधार पर वो ना पैसा पैदा कर सकते ना वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, स्कीम आती है ऊपर से और वही स्कीम इम्प्लीमेंट होती हैं। तो आप हमें ये मत समझना कि हम, मैंने एक साइलेंट वोटर, और ये लास्ट 2 इलेक्शन से मैं यही देखता आ रहा हूँ, जो साइलेंट वोटर होता है सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ता है और न्यूज़ चैनल को देखता है और वो कहीं अपनी बात को डिस्क्लोज नहीं करता है, और वो साइलेंट वोटर हैं इस हिंदुस्तान में समवेयर 40-45%। आपकी बात समझ आएगी, लेकिन हमें साइलेंट वोटर आप हैं, पता चल गया। आपने बोल दिया आपने कि बीजेपी को वोट देंगे। मैंने कहाँ कहा आपसे वोटर, मैंने ये कहा है कि अरुण गोविल एंड मोदी पब्लिक कंसीडर करेगी मोदी को, या जो और पार्टी हैं उनके टॉप लीडर को करेंगी कोई भी चीज़ शुरू। हाँ, अरुण गोविल जी जो फायदा उठाएंगे वो राम बनने का फायदा उठाएंगे, और जो लहर पहले चल रही थी शायद उसका कुछ फायदा उठा रहे हैं, बट पब्लिक इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। मेन चीज़ फिर भी बता रहा हूँ, लीडर। और यदि आप मेरी बात को ध्यान सुन रहे हैं कि सपोज ये बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है, आप इसको लाइक करते हैं डिसलाइक करते हैं इस आधार पर करते हैं कि इसका ऑप्शन कौन है, ऑप्शन है भी या नहीं है। यदि ऑप्शन है तो इमीडिएटली वो उसको वोट करेंगे, और यदि ऑप्शन नहीं है तो वो उसी पर टिकट। सुनीता वर्मा मेयर रही हैं, वो कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी की, उनको पसंद नहीं कर रहे आप लोग? हाँ, आप ये कह सकते हैं। आप यदि मुझे
पूरी तरह से सुनना चाहते हैं कि मैं यदि इन्हीं में से किसी को चुनूं तो आप सही समझ गए अरुण गोविल को हम चुनेंगे। ठीक है, आप अंकल बोले ना, सीधे सीधे बोलना चाहिए अंकल। थैंक यू। तो द रेड माइक अंकल, बेस्ट विशेस। सही है अंकल, ये तो बढ़िया है। क्या नाम है भैया आपका? रजत गुप्ता। रजत जी, क्या माहौल? रामाम जी मिले आपको सड़क पे? अरुण गोविल जी मिले? नहीं, अरुण गोविल जी तो नहीं मिले, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है इसको बहुत मैच्योर होने की ज़रूरत है। जैसे कि हम यूएस में देखते हैं कि एक डिबेट होती है, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना एक व्यू पॉइंट देते हैं, लेकिन इंडिया में आप अल्टीमेटली देखो तो पॉलिटिक्स काय पे आती है, एट द एंड सिर्फ उस पर आती है कि जातीय गणना पे, जाति धर्म पे है ना। तो हमारी जो पॉपुलेशन है इसे बहुत मैच्योर होने की ज़रूरत है कि हम जो कैंडिडेट को सिलेक्ट करें वो सिर्फ मतलब विकास की राजनीति करें, ना कि पॉलिटिक्स की उसकी करें, जाति की करें। ये सिर्फ हर इलेक्शन दर इलेक्शन आएंगे और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाएगा कि भाई ठाकुर वोट यहाँ पा रहे हैं तो ठाकुर कैंडिडेट उतार दिया जाए, ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी कैंडिडेट उतार दिया जाए, या मुसलमान बाहुल इलाका है तो मुसलमान को उतार दिया जाए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पूरा ऑल ओवर इंडिया यही तो होता है, अल्टीमेटली बेवकूफ़ कौन बनता है? पब्लिक। अच्छी बात बोली, समझदारी की बात बोली। अब मेरठ की जनता अपनी बात खुलकर रख रही है, तो यहाँ लड़ाई अच्छी कांटे की है, लेकिन जो साइलेंट वोटर हैं, पिछली बार 5,000 वोटों से जीते थे बीजेपी यहाँ से, और अग्रवाल साहब जीते थे, और यहाँ से कुरैशी साहब लड़े थे बसपा और सपा के उम्मीदवार से, सिर्फ 5,000 वोटों से बीजेपी चुनाव जीती थी। इस बार दलित उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने उतारे जनरल सीट पर। यहाँ योगेश वर्मा हैं, उनकी पत्नी हैं, XMLA हैं, महापौर उनका वोट है, और इधर जो पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है वो दोनों ही पार्टियां थोड़ा सरदर्दी है, और जो NDA की सीट्स हैं, जो बीजेपी की सीट पिछली बार जीती थी, वहाँ पोलिंग परसेंटेज कम है, तो थोड़ा सा ज़्यादा चिंता करने के बाद बीजेपी को है। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, इन सीट पर जिन सीट पर मार्जिन था उन पर दिलचस्प होगा कि लड़ाई कैसे रहेगी। तो फिलहाल मेरठ के दिल में क्या है, हमने कोशिश करी जानने की। सहयोगी शायन और लक्ष्य के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।